तो बच्चे शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कई सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में चर्चा की थी हम लोग, रेट मेजर्स कर चुके हैं, और आज हम लोग करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले ही समझते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कहते किसे हैं। तो ये समझाने के लिए मैं ग्राफ लेता हूँ आपके सामने। आपने ग्राफ क्लास टेंथ में भी पढ़ा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोलिक ग्राफ। और उसकी बात की जाए तो इस तरह का देखिए ग्राफ का नेचर आता है। ये देखिए कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, कि पैराबोला है, ये आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं। ये x एक्सिस हो गई, इसको आप y कह दीजिए, ठीक है। अब ये हो गया जीरो। अब अगर हम इसके राइट साइड की बात करें, यहाँ देखिए वन है, टू है, थ्री है, फोर है, इधर जाएंगे तो माइनस वन, माइनस टू एंड सो ऑन, माइनस थ्री। अब अगर हम बात करें कि अगर हम x का ग्रेटर देन जीरो ले लें वैल्यू, अगर हमारा इफ x इज ग्रेटर देन जीरो और x को इंक्रीज करना चालू कर दें, यानी ये ग्रेटर देन जीरो है और x को हम बढ़ाना शुरू कर दें, x इज इंक्रीजिंग, तो जैसे जैसे हम x को बढ़ाएंगे, जब x इक्वल टू वन लाएंगे, तो यहां पे देखिए ये जो पॉइंट है, ये दिस इज y, और फिर x इज इक्वल टू टू लाएंगे तो दिस इज y। तो ये देखिए जैसे x हमारा जीरो से एक किया तो ये हमारा y था। सॉरी, x इक्वल टू जीरो पर, यहां देखिए x इक्वल टू जीरो पर हमारी वैल्यू थी y इक्वल टू जीरो, क्लियर कट दिख रहा है। और जब x की वैल्यू 1 डालते हैं आप, तो इस पैराबोला में फुट वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी x की वैल्यू जब 1 की तो y की 1, और फिर x की 2 अगर कर देते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टू जा 4। तो ये y जब 2 पहुंचेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4, और यहाँ थी 1 और 0। तो जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा y भी देखिए बढ़ता जा रहा है। तो इफ x इज इंक्रीजिंग, y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दिख रहा है ना, कहां पर x इज ग्रेटर देन 0 में। अब इसी पोर्शन में बेटा अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लें, समझिएगा, इसे बोल देंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी हम डिटेल्स की बात करेंगे लेकिन समझना जरूरी है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं कि जब हम x की वैल्यू बढ़ाएं तो y की भी वैल्यू साथ साथ बढ़े। जैसे जैसे x हम बढ़ता चला जाएगा हमारा देखिए y की वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। इफ x इज इंक्रीजिंग देन y इज इंक्रीजिंग। अगर हमारा x बढ़ाने पर y घटना शुरू कर दे फिर क्या होगा, ये देखिए ये लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, इफ x इज लेस देन 0, यानी हमने x लेस देन 0 में लेफ्ट साइड की बात की है, और यहां पर x को इंक्रीज कर दें हम। इंक्रीज करने का मतलब है जब इस साइड से आप जाएंगे तो आप x को डिक्रीज करेंगे, और आप समझे में आसानी से आए तो मैं इस तरफ से ला रहा हूं आपको, x इज इंक्रीजिंग, माइनस थ्री से माइनस टू बड़ा होता है। तो जैसे जैसे आप देखिए अब यहां पर आए माइनस टू पे तो ये वैल्यू मिली आपकी y की, है ना, और यहां पर आए तो ये वैल्यू मिली y की। तो ये देखिए y क्या है, y भी तो घटना शुरू कर दिया है यहां पर। अब यहां पर इफ x इज इंक्रीजिंग y इज डिक्रीजिंग, हाउ y इज डिक्रीजिंग, अब चाहे तो वैल्यू पुट कर लो बेटा। अगर आप x को इंक्रीज कर रहे हो तो x बराबर माइनस थ्री वैल्यू पुट करो, पहले माइनस थ्री पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर विच इज 9, और x की वैल्यू माइनस टू पुट कर दो, ये हम इंक्रीज कर रहे हैं ना, बढ़ा रहे हैं, तो y देखो कितना आ जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर, इस वाले इक्वेशन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और ये वैल्यू हो गई 4। और इसी तरीके से x इक्वल टू माइनस वन लेके चले आते हैं, क्योंकि इस तरफ से आ रहे हैं माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, देखने की आप कोशिश कर रहे हैं कि होता क्या है, और ये माइनस वन का स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो देखो जैसे जैसे x हम बढ़ा रहे हैं, माइनस थ्री से माइनस टू बढ़ा है और माइनस टू से माइनस वन बढ़ा है, तो जैसे जैसे x हमारा बढ़ रहा है y हमारा घट रहा है, 9, 4, 1। तो हम क्या देख रहे हैं इस केस में कि x हमारा अगर 0 से छोटा है इस ग्राफ में, x बढ़ाने पर y डिक्रीज कर रहा है, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कौन से फंक्शन होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शंस, और इसकी डेफिनेशन समझेंगे लेकिन मोटा मोटा समझ में ही आना चाहिए। अब टेक अवे क्या है
क्या मुद्दा हम समझे? मुद्दा में ये समझना है सिंपल भाषा में, x बढ़ाने पर y बढ़ा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग। अगर x बढ़ाने पर y घटा तो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए मैथमेटिकली आपको ये समझाने की कोशिश की गई पैराबोला से कि किस तरह का सिस्टम आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये बात पकड़ में आनी चाहिए। उम्मीद करते हैं बात अपने यहाँ से टेक अवे लिया होगा। मैथ्स की भाषा में बात करें कि मैथ्स की भाषा में क्या लिखते हैं तो वो भी समझ लेते हैं लगे तुम लोग। अब बुक में जो एग्जांपल दिया वो एग्जांपल नंबर 7, उसमें इसको उन्होंने करके दिखाया, मैं भी आपको बताता हूँ कैसे करना चाहिए इसको। और अभी तक 7 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट यूज़ नहीं होगा, सिंपल लॉजिक की ये बात कर रहे हैं। तो लिखा शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 7x-3, ये एक फंक्शन है 7x-3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आर, ये आपको साबित करना है, प्रूफ करना है। हम ये जानते हैं कि अगर हमारा x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है, और ये साबित कर दें कि हमारा fx2 हमेशा fx1 से बड़ा होगा इस डोमेन के अंदर, तो हम कह देंगे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और केवल इंक्रीजिंग कहना होता तो इक्वल टू का साइन भी ले लेते, x को बढ़ाने पर हमारा y भी बढ़ रहा है। ये fx जो fx होता है ना, इसे y ही लिखा जाता है बेटा, ये y है, ये जो एफ एक्स होता है इसे वाई ही लिखते हैं। तो दिस इज y2, दिस इज y1 है ना। तो x को बढ़ाने पर x2 इज ग्रेटर देन x1, x को बढ़ाने पर अगर हमारा y भी बढ़ जाए बिना इक्वल टू के साइन के, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखते हैं, अब यहां पर लेट कर लेते हैं कोई दो नंबर, x2 इज ग्रेटर देन x1 इंक्रीजिंग शो करने के लिए। तो अगर x2 इज ग्रेटर देन x1 है तो क्या हम कुछ इसमें ऐसा शो कर सकते हैं, देखते हैं हम लोग। अब इस इक्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए आगे क्या बढ़ते हैं, इन दोनों इनइक्वालिटी में ये ग्रेटर देन वैल्यू में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 7x2 इज ग्रेटर देन 7x1, कोई तकलीफ की बात नहीं है, 7 इज ए पॉजिटिव नंबर, और मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। अब इसके बाद हम फिर से दोनों तरफ 3 को घटा सकते हैं, ये देखिए दोनों तरफ 3 को आप आसानी से घटा सकते हैं, इसमें भी कोई इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये जो वैल्यू है 7x2-3, ये क्या वैल्यू बन जाती है, fx है। तो ये x2 के लिए इसको आप लिख सकते हो, दिस इज fx2 इज ग्रेटर देन fx1, ये देखिए। तो अगर हमारा x2 इज ग्रेटर देन x1 है तो इससे हम ये साबित कर पा रहे हैं कि fx2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन fx1 विदाउट इनइक्वालिटी साइन। कहाँ के लिए बात कर रहे हैं, ऑन आर, पूरे उसके डोमेन में, इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑन आर। इस तरीके से एक छोटे सवाल को समझते हुए आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं या इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे वाली आने वाली थ्योरम्स को, जो हमारा हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब शुरू होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, कि उसके हेल्प से हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, जो थ्योरम इन्होंने बताई है बुक में, बड़ी सीधी सी थ्योरम है, लिखा बहुत कुछ है लेकिन इसमें दम नहीं है। लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब जिस फंक्शन का जिक्र हम कर रहे हैं, अगर हम ग्राफ के रूप में देखें तो जिस पार्ट में हमें शो करना है वहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होना ही चाहिए, वरना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब ही क्या। क्लोज इंटरवल की बात करते हैं, जब भी बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये ए है और ये पॉइंट हमारा एक्स बराबर बी है, तो ये दोनों को क्लोज लेते हैं यानी इंक्लूड करते हैं, एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। अब डिफरेंशिएशन कॉर्नर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये जो नुकीला अंत वाला पॉइंट है इस पर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, मतलब ए बी को एक्सक्लूड करके, अंत वाले जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको छोड़ के पूरा बाकी, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अब बोलता है कि एफ को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, जब हमारा पहला डेरिवेटिव या पहला डिफरेंशिएशन जो है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी।
और अगर यही चीज लेस देन जीरो हो तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बाकी कहानी लिखी हुई है, बार बार पढ़ने पे आप सोचेंगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लिखा सब वही है। तो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और पहला डेरिवेटिव हमारा लेस देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अगर हमारा एफ डैश एक्स जीरो है पूरे इंटरवल के दौरान एक्स बिलोंग्स टू ए बी तो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। सिंपल सी बात यही है। अब इसको थोड़ा एनालाइज भी आप करें तो ग्राफिकली भी बड़ी समझ में आती है बात, वो भी हम लोग यहां कर सकते हैं। पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं उसका, पहले वाले का बुक में दिया है, फिर मैं आपको ग्राफिकली दिखाऊंगा। देखिए कितनी सिंपल सी बात है और समझ में आने वाली बात है आपकी। तो प्रूफ ए इस पार्ट का प्रूफ कर रहे हैं कि हमारा जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जिक्र किया था कि जब x2 हमारा x1 से बड़ा हो तो fx2 भी fx1 से बड़ा हो, क्लैरिटी के साथ बिना इक्वलिटी साइन के, ये तो समझा था। अब देखिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल ab, कोई हमने दो पॉइंट्स ले लिए जो क्लोज्ड इंटरवल के अंदर हैं, उसके डोमेन के अंदर हैं, और x2 इज ग्रेटर देन x1, ये तो मानना ही पड़ेगा। x2 इज ग्रेटर देन x1 अगर हमने मान लिया है, और अगर हम ये शो कर देते हैं कि fx2 is also greater than fx1, तो हम ये कह पाएंगे ये strictly increasing है कि x2 x1 से बड़ा है और इसी वजह से fx2 fx1 से भी बड़ा है। चलिए देखते हैं। अब मीन वैल्यू थ्योरम जो आपने चैप्टर 5 में पढ़ी थी, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर में पढ़ा था, वहां मीन वैल्यू थ्योरम एक आई थी MVT, उसके हेल्प से देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी। अब एक्स वन एक्स टू के बीच में पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है जो इस कंडीशन को मैच करता है एम वी टी के बेसिस पर। तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ डैश सी एक्स टू माइनस एक्स वन। सी क्या है? एक्स वन एक्स टू के बीच का पॉइंट, और ये कहाँ से लिखा है? ये एम वी टी थ्योरम के हेल्प से लिखा है। अब हमें मालूम है कि एफ डैश सी इज ग्रेटर देन जीरो, कहाँ से मालूम है? इसके अंदर देखिए दे ही रखा है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो सी जब इसके बीच का पॉइंट है तो एफ डैश सी भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो एफ डैश सी इज ग्रेटर देन जीरो, ये तो हो गया पॉजिटिव, और एक्स टू एक्स वन से बड़ा था तो वो तो पॉजिटिव है ही है, एक्स टू बड़ा है एक्स वन से, तो घटाओगे तो पॉजिटिव ही क्वांटिटी मिलेगी। ये पॉजिटिव दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, इसका मतलब एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। समझ पाए होगे कि ये जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो से बड़ा है, तो ये पूरी क्वांटिटी भी जीरो से बड़ी हो गई कि नहीं। अब एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये एफ एक्स टू लिखा, और माइनस एफ एक्स वन को दूसरी साइड लेते जाओ तो ग्रेटर देन एफ एक्स वन मिल जाएगा। अब ये चीज प्रूव हो गई। देखिए कि हमने माना था कि एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन हो तो एफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एफ एक्स वन आ गया, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ए बी के अंदर। तो एफ इज एन इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा जैसा इसमें बोला जा रहा है, और उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। रही बात सेकंड और थर्ड के प्रूफ करने की, तो ये भी इसी बेसिस पे आप प्रूफ कर सकते हैं, वो आप करके देखिएगा। जो बात मैं आपको बोल रहा था, देखिए समझने की बात इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, अगर थोड़ा आप लॉजिक लगाएं, आपको इतना अंदाजा तो है ही है पढ़ाई करते हुए डिफरेंशिएबिलिटी में, जो 11th क्लास में ही थोड़ा समझा होगा आपने, टेंजेंट नॉर्मल भी बातें आएंगी, कि जो ग्राफ होता है बेटा, देखिए ग्राफ देखिए, अगर मान लीजिए इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो जब इसका भाई डिवाइड बाई डी एक्स जब आप निकालते हो बेटा, तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप ही तो होता है, स्लोप है ना। तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये एक्स बढ़ाने पर वाई भी बढ़ रहा है, देखो जैसे जैसे एक्स बढ़ा होगा वही बढ़ रहा है, तो इसका जहां पे भी स्लोप निकालोगे, इस पॉइंट पे स्लोप निकालो, इस पॉइंट पे स्लोप निकालो, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालो, यानी डिवाइड बाय एक्स क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये एक्यूट एंगुलर थीटा, आप समझ रहे होंगे लाइन बन रही है, और टेन थीटा होता है पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री से, 0 से 90 के बीच में, और इसी को लिखते हो एम स्लोप ग्रेडियंट, और यही एम की वैल्यू होती है डिवाइड बाय एक्स। तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जब भी इसका स्लोप निकालोगे वो हमेशा कैसे आ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमेशा कैसा आ जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। दूसरी बात देखिए, अगर मान लीजिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है कि आप एक्स बढ़ाते हैं तो वाई की वैल्यू घट जाती है, देखिए वाई घट रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हैं वाई घट रहा है। अब इसका स्लोप निकालो, देखो ऐसे कभी भी स्लोप निकालो, तो ये एंगल आपको दिख रहा है ना थीटा, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और टेन थीटा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए निगेटिव होता है, यानी इसका जो स्लोप है या डिवाइड बाई डी एक्स है या एम
या स्लोप टेन थीटा, ये क्या रहने वाला है, लेस देन जीरो, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इस फॉर्म में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से भी आप समझ सकते हैं। तो ये बात थी, मुद्दे की बात यही याद रखनी है हमने को कि डिवाइड बाय डिक्स निकालना है पहले फंक्शन का, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है उस इंटरवल के अंदर तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर जीरो के बराबर आता है तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है बिना इनइक्वालिटी के। अगर इनइक्वालिटी शामिल करना मजबूरी है तो वो इंक्रीजिंग बोल के, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग बोल के आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं जो बुक में दिए हैं, वो और हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बेटा ये एग्जाम्पल 8 देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, शो दैट द फंक्शन एफ, शो दैट द फंक्शन एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये नंबर के अंदर इसका डोमेन लिया है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, रियल नंबर के अंदर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये शो करना है। तो हमने डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था, हम लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने पर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है तो इस फंक्शन को क्या बोल देना ठीक रहेगा कि इंक्रीजिंग इन नेचर है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, इसका हम लोगों ने एफ डैश एक्स निकाला, तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x क्यूब पर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का आ जाएगा 2x, इतना तो आप निकाल ही लेते हैं, तो 3 इंटू 2 यानी 3 लिखिए इंटू 2x प्लस 4 और x का आ जाएगा 1, ये वैल्यू बन गई 3x स्क्वायर और ये हो गया 6x प्लस 4, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से हम देखते हैं कि क्या हम एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो बता सकते हैं, तो क्या करेंगे इस 4 को ब्रेक कर लेते हैं, इस 4 को लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1, 4 को लिख लिया 3 प्लस 1, अब इनमें से 3 ले लो कॉमन, इतने में से 3 ले लो कॉमन, तो ये 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों किया है, प्लस 1, ये वैल्यू बनी बेटा, आ जाओ इधर आराम से। अब ये देखिए क्या हो गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, x माइनस 1 का, तो इसको लिख सकते हो 3 और इस वैल्यू को लिख सकते हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 1। अब आपको ये अच्छी तरह मालूम है कि 1 तो एक ग्रेटर देन 0 है ही है, साथ में ये परफेक्ट स्क्वायर है, और कोई भी स्क्वायर नंबर हमेशा उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, 0 होगी या उससे बड़ा होगा, तो अगर ये 0 हो भी गया ये वैल्यू तो भी 1 है, यानी इस केस में ये हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलने वाला ही है, ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है जो हमेशा 0 या उससे बड़ा होगा और 1 से बड़ा है। तो यहां पर हम कह पाए आसानी से कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन R, हेंस एफ एक्स इज ए इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। इस तरीके से बात कंप्लीट होती, बेसिक सवाल है, कॉन्सेप्ट पकड़ने की बातें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 9 होगा। तो अभी एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं हम लोग, लिखा प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 टू पाई में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पाई टू पाई में, या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है 0 टू 2 पाई में, प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं, करने का तरीका हमने सीखा है कि सबसे पहले हम लोग इसका पहला डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कॉस एक्स का पहला डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। अब अगर ए पार्ट में हम ये साबित कर सकें कि 0 टू पाई में ये एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो प्रूव हो जाएगा। तो हम जानते हैं इन 0 टू पाई ओपन इंटरवल में हमेशा हमारा जो साइन एक्स की वैल्यू रहती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। 0 टू पाई में, 0 टू पाई के अंदर ओपन इंटरवल में जो साइन होता है वो पहले दूसरे क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव इन नेचर रहता है। तो यहां पर इस वैल्यू को अब ये हमेशा पॉजिटिव रहना है, माइनस साइन एडिशनल लगा हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, और अगर लेस देन 0
हो गया, तो थ्योरम जो हमने पढ़ी है ये कैसा फंक्शन हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये। दूसरे में आ जाओ बी में, पाई टू टू पाई, अब हम जानते हैं इन, या पहले लिख लीजिए इसको, साइन एक्स इज लेस देन जीरो इन जीरो टू पाई। जीरो टू पाई के केस में, यानी ये तीसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट्स के अंदर, साइन की वैल्यू निगेटिव होती है, तो निगेटिव होती है तो ये निगेटिव है, अब एक निगेटिव और लगा हुआ तो पॉजिटिव हो गया ना, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया इन जीरो टू पाई। और इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब आ जाओ सी के पॉइंट के अंदर, जहां पे बोल रहा है नाइदर ये इंक्रीजिंग है नॉर ये डिक्रीजिंग है जीरो टू पाई के अंदर, तो हम जानते हैं कि जो साइन एक्स की वैल्यू है पूरे यानी जीरो टू टू पाई के अंदर कभी वो पॉजिटिव होती है कभी वो निगेटिव होती है ना, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि जीरो टू पाई में वो ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। वी कैन नॉट डिफाइन कि एफ डैश एक्स इन जीरो टू टू पाई वो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो है, क्योंकि कुछ पार्ट के लिए ग्रेटर देन जीरो है कुछ पार्ट के लिए लेस देन जीरो है। इस वजह से हम बोलते हैं कि ये फंक्शन हमारा एफ डैश एक्स नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है, क्योंकि क्लियर कट हमारे पास फीचर ही नहीं आता जीरो टू पाई में, क्योंकि जीरो टू पाई में हमने देखा था वैल्यू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग थी। और उसके बाद ये यहाँ पर ये वैल्यू सही कर लीजिएगा, जीरो टू पाई नहीं है, ये पाई टू टू पाई है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये पाई से टू पाई की बात की जा रही है, तो पाई से टू पाई के बीच में वैल्यू हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग थी, ये फंक्शन हमारा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं हम लोग। देखा फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है ये किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो देखिए कैसे इन सवालों को करते हैं, जिस सवाल आएंगे तो पहले में फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा, क्योंकि उसी वही थ्योरम का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन स्पेसिफाइड इंटरवल, और अगर लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, यानी इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 2x, या बड़े मजे से कर लेंगे इसको करेंगे तो आ जाएगा 4। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 2x माइनस 4। अब इस वैल्यू को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं कि ये एफ डैश एक्स हमारा जीरो का है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ढूंढना है ना, तो इसको क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जो आपने पहले पॉलिनोमियल वगैरह में पढ़ी थी, कि इसको आप पहले 2x माइनस 4 के बराबर जीरो के बराबर रख दो। जीरो के बराबर रख दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2। अब नंबर लाइन पर जो ऐसे ही इन सवालों को किया जाता है, नंबर लाइन एक बना दी, ये माइनस इंफिनिटी ये प्लस इंफिनिटी ऐसे समझ लो, और ये x की वैल्यू हो गई 2। तो x की वैल्यू 2 मान लो यहां पर है, और यहां पर ये फंक्शन कितना था, fx कितना था, ये f डैश एक्स ये जीरो था, 2 पर x बराबर 2 पर f डैश एक्स की वैल्यू कितनी थी, जीरो। तो यहां पर ये जीरो हो गई वैल्यू। अब अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 करते हैं, 2 से ज्यादा इस फंक्शन में 2 से ज्यादा पुट करेंगे, तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। देखिए अगर यहां पे 2 पे तो जीरो था, अब 2 पर अगर जीरो है तो फंक्शन 2 के बाद घटेगा या बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो यहां पर 3 पुट कर दो, 2 से बड़ा वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 4 2 आ गया पॉजिटिव, यानी फंक्शन बढ़ रहा है, यानी इसको इस तरह से बना लेते हैं, ये फंक्शन यहां पर पॉजिटिव है 2 से इन्फिनिटी के बीच में, क्योंकि कहीं और जीरो हो ही नहीं रहा तो बढ़ता जा रहा है। फिर अगर हम वैल्यू क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू लेस देन 2 पुट कर देते हैं यहां पर, एक्स बराबर 2 पे तो जीरो था। अब छोटे वाले के लिए देखते हैं, इस वाले में क्या कहानी है, इसको इंटरवल को ऐसे दिखा देते हैं,
इसके लिए क्या है, तो एक्स दो, एक्स की वैल्यू दो से कम पुट कर दो इस रीजन को समझने के लिए। वन पुट कर दी सपोज करिए, क्योंकि वन दो से छोटी है, तो टू इंटू वन माइनस फोर, तो माइनस टू आ गई वैल्यू, यानी यहां पर निगेटिव आ गया। दिख रहा है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन जीरो। तो दो से बड़ी वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और दो से छोटी वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स जीरो है। तो इस वाले के लिए हम क्या बोल देंगे, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जोन है, इंक्रीजिंग जोन है, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब इसको कैसे लिखते हैं हम लोग इंटरवल में, लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन स्ट्रिक्टली बढ़ते हुए जोन में। तो ओपन इंटरवल ले लीजिए दो से लेके इंफिनिटी तक, यहां पर ही क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसी तरह लिख सकते हैं एफ एक्स हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात की जाए, इन कहां से कहां तक की बात करेंगे, माइनस इंफिनिटी से लेके दो तक की बात करेंगे। तो ये जो इंटरवल्स हैं इसके अंदर इसमें लिखा जा सकता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये इंटरवल आपको पता चल गए और इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे और ये एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सीखिएगा, कई बच्चे टकते हैं इस सवाल में, पूरा ध्यान से समझिएगा आपकी समझ में आएगा। लिखा फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पर है, ये इंटरवल्स अपने को फाइंड करने हैं कि किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। करने का तरीका वही, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हमने एफ डैश एक्स किया यानी इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये करेंगे तो 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो आ जाएगा 12 एक्स, इसको करेंगे तो आ जाएगा 72, और ये कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब इसके फैक्टर शायद हो जाएंगे, फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 12 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 6। तो ऐसा लगता है कि इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस 3 माइनस 2, देखते हैं हम लोग क्या फैक्टर आते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 12, अब इसको ब्रेक कर लीजिए, माइनस 3x में और प्लस 2x में, तीन और दो इसके फैक्टर बना लिए। अब ये वैल्यू आ गई 12, यहाँ पे बनाए x कॉमन, तो x माइनस 3, x कॉमन 2 कॉमन, तो x माइनस 3, तो फैक्टर बने 12, एक आ गया x माइनस 3 और एक आ गया x प्लस 2, x माइनस 3 और x प्लस 2, ये फैक्टर आता हुआ इसमें दिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हम लोग कौन कौन से इंटरवल्स में वैल्यू आती है। अब देखिए ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो क्वाड्रेटिक फैक्टर फॉर्म में आई है, इसके हम लोग उसी तरीके से कि किस किस पॉइंट पे ये जीरो हो सकता है वो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। पहले हम लोग ये नंबर लाइन बनाई, सपोज करिए माइनस इन्फिनिटी, इधर वाला प्लस इन्फिनिटी, तो किस किस पॉइंट पे जीरो होगा, एक तो होगा x बराबर 3 पर जीरो और ये x बराबर माइनस 2 पे, है ना। ये जीरो किस पे हो सकता है, जब x बराबर 3 रखे, x माइनस 3 इक्वल टू जीरो और ये x बराबर माइनस 2 पे, तो एक वैल्यू हो गई। जब आप वैल्यू लेंगे यहां पर माइनस 2 और एक अगली वैल्यू ले लेते हैं हम लोग जो x बराबर 3 आ रही है इस तरीके से। अब यहां पर इन दो पॉइंट पे ये एफ डैश एक्स जीरो है, ये फंक्शन ही है समझ लो, और ये जीरो है, तो यहां पर जीरो है इन दो पॉइंट्स पर। तो इसको इस तरीके से बना लेते हैं जिसे समझने में मदद मिले, हर ये अलग अलग इंटरवल हो गया, किसमें प्लस और किसमें माइनस होगा ये हमको देखना रहता है। तो अब देखिए सबसे एक्सट्रीम में जाते हैं पहले हम लोग, तीन से बड़े में, तो तीन से बड़े में अगर वैल्यू रख देते हैं यहां पर, तो तीन से एक्स की वैल्यू 3 से ग्रेटर रखो, सपोज करिए 4 रख दी हमने, 4 भी तो इसी रीजन में आ रहा है ना, 4 रख दो, तो 4 रखोगे तो 4 माइनस 3 पॉजिटिव है और ये तो पॉजिटिव ही है x की वैल्यू 4 रखने पर, तो दोनों पॉजिटिव हैं और ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव हो गया, यानी ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव।
और इसको तोड़ के समझाना हो तो कैसे आप समझा सकते हैं, एक टेबल बना देता हूं आपके लिए, लेकिन वो टेबल हर बार आप ना बनाइएगा, इतना आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करिएगा। बाकी ट्रिक एक बार ट्रिक कि जब ये क्वाड्रेटिक होती है, एक बार में ये पॉजिटिव जब हो जाती है तो अल्टरनेटिवली ये साइन बदलती है, प्लस के बाद यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, बात खत्म, ये क्लियरिटी मिल गई। अब लॉजिकली ये कैसे हो गया ये मैं आपको बताता हूं। आप क्या करें, जो फैक्टर थे इससे टेबल बना लो बेटा, तो टेबल में क्या क्या फैक्टर थे हमारे, पहला फैक्टर था लिख दो इसका एक्स माइनस थ्री, दूसरा फैक्टर था हमारा x माइनस टू, और अंत में हो गया x माइनस थ्री और x माइनस टू मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ, ठीक है। और ये 12 तो कोई साइन थोड़ी चेंज करेगा, प्लस माइनस तो फिक्स्ड क्वांटिटी है। अब यहां पर हम इंटरवल्स ले लेते हैं, पहला हमने जोन लिया है जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, x इज ग्रेटर देन 3, देखिए ऐसे, तो जब 3 से बड़ी है तो इसमें रखोगे तो 3 से बड़ी 4 रखोगे तो ये पॉजिटिव है ना, यहां 3 रखो तो ये कैसा नंबर है, 3 माइनस 2, ये भी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 पॉजिटिव इन नेचर। अब यहां आ जाओ दूसरे में, जो x की वैल्यू हमारी माइनस 2 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, माइनस टू से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, ओपन इंटरवल में देख रहे हैं, तो इन दोनों की कोई भी वैल्यू ले लो, एक मान लो हमने ले लिया 0, इसी के बीच तो 0 फॉल करेगा, माइनस टू से बड़ा और 3 से छोटा, तो 0 रख के देखो तो ये नेगेटिव आ गया, 0 माइनस 3 नेगेटिव होता है, यहां 0 रखा तो 0 माइनस 2 ये भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। एक बार चेक करते हैं हम लोग, ये वैल्यू ये जो ये था x प्लस टू बेटा, तो ये जब x की वैल्यू उन्होंने 0 पुट की तो ये नेगेटिव आया, 0 पुट करने पे ये पॉजिटिव आया, और ये माइनस प्लस मिलके आ गया माइनस, तो देखिए माइनस आया हुआ है माइनस टू थ्री के बीच में। अब लास्ट वाली वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू जब हमारी छोटी होती है माइनस टू से, इस तरह से टेबल बना के आप कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन बाकी मैंने ट्रिक बनाई वो एक मिनट में हो जाता है। आगे बात चलते हैं, x इज लेस देन माइनस टू, तो यहां पर माइनस टू से छोटा डालोगे यानी माइनस थ्री डाल दो तो भी माइनस रहने वाला है, और यहां पे माइनस टू से छोटा डालोगे माइनस थ्री तो ये भी माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू 3 से बड़े के लिए पॉजिटिव, इस वाले इंटरवल के लिए ये निगेटिव, और x इज लेस देन 2 के लिए दोनों निगेटिव है इसलिए ये पॉजिटिव, तो ये इंटरवल हमको मिल जाते हैं। यहां पर ट्रिक के तौर पे मैं क्या बता रहा था कि जब भी ऐसे क्वाड्रेटिक फंक्शन आए, कई सारे फंक्शन आ जाए जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं फैक्टर्स में, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, x माइनस थ्री एक्स प्लस टू एंड समथिंग, तो सबसे एक्सट्रीम वाला ले लो, कोई भी लेफ्ट राइट कोई भी ले सकते हो, मैं राइट ले लेता हूं, वहां पर जो लास्ट वाला इंटरवल है उससे बड़ी वैल्यू 3 और इन्फिनिटी है तो 4 ले लो 5 ले लो, वो वैल्यू रख के देखो कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो बस अल्टरनेटिवली एक बार प्लस तो एक बार माइनस, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस चलाते रहो और काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर बार वो ऐसे ही बदलाव करते हैं। और बाकी कैसे हुआ इसके लिए एक टेबल बना दी गई है। अब यहां पर ये जो सवाल था, इस सवाल में ये जो इंटरवल है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहां पर SI लिख देता हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग SD, और ये फिर SI स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप इंटरवल्स की बात करेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां कहां मिलेगा, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए दो जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल रहा है तो आप इसको क्लब भी कर सकते हैं। तो यहां पर इसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप कैसे लिख सकते हैं, एक तो माइनस इंफिनिटी से चले हैं और माइनस टू तक आए हैं ओपन इंटरवल, ये देखिए समझिएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस टू तक, उसके बाद एक और पार्ट मिला 3 से इंफिनिटी वाला, तो यहां पर सेट थ्योरी के हिसाब से यूनियन का यूनियन ले लीजिए, यूनियन लिखने का तरीका, और फिर 3, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद आप बात पकड़ पा रहे हो जो मैंने लिखी है, क्योंकि दोनों में ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यूनियन साइन लगा देते हैं, और जहां पर एंड की बात आती है वहां पर इंटरसेक्शन साइन लगाते हैं, इतना आपको जानकारी होगी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग माइनस टू और थ्री के बीच में है, तो इसके लिए आप वैल्यू क्या ले सकते हैं, माइनस टू से लेके 3 तक, इसके बीच में ये
वैल्यू आ गई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग माइनस टू से थ्री और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन थ्री से इंफिनिटी तक। निकालने का तरीका आपके सामने, ये सवाल या ऐसे सवाल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं हम लोग, और उसमें बोला फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन थ्री एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय टू, वो इंक्रीजिंग कब और डिक्रीजिंग कब है, वो इंटरवल हमको निकालने हैं। तो जैसा हम उन्होंने पढ़ रखा है कि सबसे पहले इसका हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे साइन थ्री एक्स का क्या आ जाएगा, थ्री कॉस थ्री एक्स, ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसके बाद हमारा जो सिस्टम था, जो हम एल्गोरिदम लगा रहे हैं, इसको हम पहले कर देते हैं कहाँ पर, इक्वल टू जीरो, वो पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं जहाँ पर ये जीरो हो सकता है, उसके बाद से वो इंटरवल हमको मिलते हैं कि कहाँ ये पॉजिटिव है और कहाँ ये निगेटिव है। तो अगर इसको हम थ्री कॉस एक्स, थ्री कॉस थ्री एक्स बराबर जीरो आप रखोगे या कॉस थ्री एक्स बराबर जीरो रखोगे, और सारी कहानी जीरो टू पाई बाई टू में देखनी है, मतलब अगर आप लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू जीरो, इसको ऐसे लिख लो तो और आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए जीरो से पाई बाई टू के बीच बात कही जा रही है इक्वल टू साइन के साथ। अगर आप इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी थ्री पाई बाई टू, यानी ये थ्री एक्स की जो वैल्यू लेनी है जीरो थ्री पाई बाई टू के बीच ही लेनी है हमको। तो जीरो जीरो कहाँ मिलेगा, एक तो हमें मिलता है जब थ्री एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए पाई बाई टू, ये पूरी वैल्यू जब हमारी पाई बाई टू हो जाएगी तो एक्सप्रेशन हमारा जीरो हो जाएगा। इससे एक्स जो निकलेगा यहां की बात करें तो पाई बाई सिक्स निकलेगा एक्स, लेकिन ये थ्री एक्स पाई बाई टू के अंदर है जो कि वैलिड है, ये हमें देखने की जरूरत रहती है। अगला कहां पे जीरो निकलेगा आप बात समझे तो एक तो आ जाएगा आपका पाई बाई टू पे जीरो, फिर थ्री पाई बाई टू पे भी जीरो हो सकता है, तो थ्री पाई बाई टू इंक्लूसिव है, तो यहां पर आप लिख सकते हो थ्री एक्स बराबर थ्री पाई बाई टू। अब इससे वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की पाई बाई टू, देखिए तीन से तीन कट जाएगा ना पाई बाई टू एक्स बराबर, तो ये थ्री पाई बाई टू क्यों लिया हमने, क्योंकि ये वैलिड था इसके अंदर ना, इसके बाहर के थ्री एक्स लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे देखिए एक्स की एम को वैल्यू मिल गई। अब यहां पे नंबर लाइन प्लॉट कर लो ऐसे, कितना आसान, और एक्स की वैल्यू लिख दो यहां पर पाई बाई सिक्स पहले ड्रॉ कर लेते और अगला ड्रॉ कर देते पाई बाई टू, ठीक है। अब बाकी माइनस इंफिनिटी तो इन्फिनिटी है जो कि इसके डोमेन में है नहीं, तो डोमेन कहां तक जाएगा अगर एक्स की वैल्यू रोके हम लोग, तो एक तो जाएगी आपकी यहां पर जीरो तक, और कहां तक जाने वाली है ये पाई बाई टू तक। तो ये इसका जिक्र तो करना ही ठीक नहीं, क्योंकि ये डोमेन के अंदर नहीं है, सारी कहानी यही रुकी है, इसके हिसाब से बनाया गया फिगर। अब हमें मालूम है कि जीरो टू पाई बाई टू के बीच इधर ले लेते, पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू के बीच अगर हो, पाई बाई सिक्स से बड़ा है और पाई बाई टू तक आप जा रहे हो, यानी वैल्यू हम जो पुट करने वाले हैं वो पाई बाई सिक्स है ना एक्स की वैल्यू, तो थ्री एक्स की कितनी हो जाएगी पाई बाई टू, तो पाई बाई टू से जब बड़ी लेके चलोगे वैल्यू, तो कॉस एक्स कॉस थ्री एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, निगेटिव मिलेगी। आप जानते ही ना कॉस थीटा अगर लेते हैं तो पहले क्वाड्रेंट में यानी इस क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव होता है। तो जब एक्स की वैल्यू पाई बाई सिक्स से ज्यादा लेते हैं आप, पाई बाई सिक्स से बड़ी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू थ्री जो पाई बाई टू है ये वैल्यू बढ़ जाएगी ना थ्री एक्स वाली, समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर ये एक्स की वैल्यू पाई बाई सिक्स है और पाई बाई सिक्स की जगह आप बड़ी वैल्यू ले लें पाई बाई सिक्स से ज्यादा, तो पाई बाई सिक्स से ज्यादा ले लोगे तो यहां पर ये जो थ्री एक्स है वो भी तो पाई बाई टू से बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू ये जो अगर बढ़ जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, अभी तो ये पाई बाई टू ही तक है, अब बढ़ा तो ये निगेटिव आ जाएगी वैल्यू। और इधर अगर आप चलेंगे कि पाई बाई टू से इस रीजन में आए थे, अब पाई बाई सिक्स से नीचे की तरफ जाएंगे छोटी वैल्यू की तरफ, है ना, और छोटी वैल्यू की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो पाई बाई टू के अंदर ही रहेगा, यानी ये पॉजिटिव रहेगा इन नेचर। भाई ये तो इसी के अंदर है ना, देखो पाई बाई सिक्स पाई बाई टू था, अब पाई बाई सिक्स से छोटा कर दे तो पाई बाई सिक्स से जब छोटा कर दोगे वैल्यू तो ये थ्री एक्स भी तो पाई बाई टू से छोटा हो जाएगा ना, अब छोटा हो जाएगा तो ये पहले ही क्वाड्रेंट में आएगा, सिंपल सी बात है, पहले क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव इन नेचर रहेगा, तो ये निगेटिव रहा, यहाँ पे लिख सकते हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये क्या बन गया स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग, तो यहां पर वैल्यू में लिखी जा सकती है जो स्ट्रिक्टली जो इंक्रीजिंग, अगर ये केवल इंक्रीजिंग देखिए पूछ रहा है यहां पर, आप समझिए यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, करना चाहिए। अगर देखिए इसमें कैसे लिखते हैं, अगर आप लिखना चाहिए ये बात समझिएगा, अगर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें, अब अगर यहां पर अगर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो आप लिख सकते हैं किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 0 to π/6 में, तो ओपन इंटरवल आपको देना पड़ेगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये इसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/6 से लेके π/2 तक ओपन इंटरवल में। अगर केवल इंक्रीजिंग की बात करते हैं हम लोग, तो केवल इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो इन दो पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, 0 π/6 को इंक्लूड कर लीजिए आप, बुक में जो दिया है उसमें कहीं एक तरफ क्लोज्ड इंटरवल है कहीं ओपन है, तो उस चीज को लेके नहीं चलना है, वो थोड़ा सा क्लैरिटी कंफ्यूज हो गया मामला वहां पर। तो जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात होगी आप हमेशा क्या पकड़ के चलेंगे, ओपन इंटरवल, और जब भी इंक्रीजिंग की बात होगी एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं उसके अंदर आप, कि वहां भी इंक्रीजिंग मान सकते हैं उसके नेचर से। तो इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो 0 to π/6 ले सकते हैं, और डिक्रीजिंग की अगर आप बात करेंगे, अगर इसमें π/6 इंक्लूड कर लिया है तो वहां पे चाहें तो आप कुछ वैल्यू नहीं मिलती तो यहां लिख सकते हैं आप π/6 से लेकर आप क्लोजली लेके चलिए π/2 तक, तो यहां पर डिक्रीजिंग बोल देंगे यहां पर इंक्रीजिंग बोल देंगे, और स्ट्रिक्टली के लिए हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करेंगे, बुक में क्लोज्ड इंटरवल दिया है 0 से पहले जो कि नहीं लीजिएगा स्ट्रिक्टली में, स्ट्रिक्टली यही होता है ओपन इंटरवल बोथ साइड, और जब बोलते हैं केवल इंक्रीजिंग तो क्लोज्ड इंटरवल में बातचीत की जा सकती है। ये जो पॉइंट आया था कि एक्स की वैल्यू π/6 होगी तो 3x कितना होगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, यहाँ से कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। जब मैंने आपको बोला कि एक्स की वैल्यू π/6 से बड़ी लेनी है, तो जब x की वैल्यू π/6 से बड़ी होगी तो यहां पर 3x की वैल्यू भी तो π/2 से बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, उसी को मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, जब x बड़ा तो 3x भी बड़ा, और जब x π/6 से छोटा हुआ तो 3x भी π/2 से छोटा हुआ। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 12 लगा सकते हैं। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं, इसमें लिखा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f(x)(sin(x+cos(x) और x का जो डोमेन है 0 और 2π के बीच में क्लोज्ड इंटरवल है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालने का तरीका क्या है, पहले इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी f'x साइन x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा -sin x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फिर हम लोग इसके वो पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर ये 0 होता है, तो उसके आजू बाजू देखेंगे प्लस या माइनस कहाँ पे पड़ रहा है, तो इसको वैल्यू हम 0 के बराबर पुट कर देंगे और इससे आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 या cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। अब 0 to 2π के बीच में cos x और साइन एक्स कहाँ इक्वल होते हैं, तो हमें मालूम है कि x की वैल्यू होगी 1π/4 पर और दूसरी वैल्यू होगी 5π/4 पर। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की एक ही वैल्यू आती है 1/√2, और इसी तरीके से कॉस 5π/4 आप निकालेंगे और साइन 5π/4 निकालेंगे तो उसकी भी वैल्यू भी सेम आएगी, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये दो हमारे पॉइंट्स मिलके जहां पर ये फंक्शन f(x) 0 होने वाला है। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कहानी है। नंबर लाइन हमने ऐसे बनाई, एक वैल्यू हो गई यहां पर π/4, दूसरी वैल्यू हो गई 5π/4, और कहां तक जाना था, हमें जाना था 2π तक, और इधर हमें जाना था कहां तक, 0 तक। तो ये हमारे पास इस तरह के लूप्स मिल गए जिनके अंदर प्लस माइनस हमको देखना है। अब देखिए 5π/4 2π के अंदर 5π/4 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई 5π/4 यहां की बात करें तो, और ये 2π तक, यानी इसके बीच में इस एंगल के बीच में हमारा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो कोई एक चूज कर लेते हैं, हमें मालूम है ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है, तो वी विल चूज 3π/2 और देखते हैं क्या साइन देता है, क्योंकि इसके बीच में ये साइन नहीं बदलने वाला। तो कॉस
एक्स की जगह पुट कर दिया 3π/2 माइनस साइन 3π/2 देखते वैल्यू क्या आती है। अब जानते ही कॉस 90 पे वैल्यू आया करती थी जीरो, तो इधर भी जीरो आएगी और साइन की वैल्यू 3π/2 माइनस वन हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस वन, यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो इस केस में आ जाएगा पॉजिटिव। ये एंगल लिया ना 3π/2 जो कि 5π/4 से बड़ा है और ये 2π से छोटा है, इसके बीच का एंगल है। ये देखिए 5π/4 और 2π के बीच का एंगल। अब 5π/4 और 5π/4 के बीच का एंगल लेते हैं, तो 5π/4 तो ये एंगल था और यहां स्ट्रेट खींच दीजिए तो ये हो जाती है लाइन, ये हो जाता हमारा 5/4, तो हम लोग ये 5/2 ले लेते हैं इसके बीच के एंगल के लिए और देखते हैं क्या वैल्यू हमें मिलती है। कॉस 5/2 यहां पे वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस साइन 5/2, तो कॉस 5/2 होता है 0 और साइन 5/2 होता है 1, तो माइनस 1 ये निगेटिव आ गई तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस। अब 5/4 से छोटी वैल्यू कोई ले लीजिए, साइन 30 ले लेते हैं 5/6, 5/6 जो वैल्यू है वो 5/4 और 2π के 5/4 और 0 के बीच में है, तो कॉस 5/6 इसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस साइन 5/6, कॉस 5/6 होता है √3/2, साइन 5/6 होता है 1/2, √3/2 बड़ा है 1/2 से, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहां से हमें क्लैरिटी मिल गई कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां कहां है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखना होगा तो ये दो रीजन हमें मिले, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले। लिखने का तरीका अगर क्लब करके लिखेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ध्यान दीजिएगा, जीरो से चलाओ 5/4 ओपन इंटरवल यूनियन, और अगला वाला मिल रहा है 5π/4 से कहां तक जाना है 2π तक। ध्यान रखिएगा बुक में कभी कभी क्लोज्ड इंटरवल यूज किए हैं, क्लोज्ड इंटरवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यूज करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में यूज नहीं करते हैं। तो ये 0 to π/4 और 5π/4 से 2π तक चला, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की आप बात करेंगे तो वो आ जाएगा 5/4 से 5π/4, 5/4 से लेके 5π/4 ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया इसके बीच के एंगल। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी के जरूर लगाइएगा, आपके एग्जाम्पल जब आप लगाते हैं तो बोर्ड की बहुत शानदार प्रिपरेशन होती है और जेई मेंस के लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ध्यान रखिएगा जेई मेंस का रास्ता एनसीईआरटी से ही होके जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स लगे, उम्मीद करते हैं कि सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे और एग्जाम्पल जरूर करिए, इससे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी होती है। और आपके लिए कुछ फ्रूटफुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वो जरूर देखिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।